इस वीडियो में हम लोग आपको वाईफाई चार्जर कैसे यूज होगा डिटेल में बताएंगे, कौन सी ऐप उसके लिए यूज होगी और ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, और इसमें जो वाईफाई आपके घर में लगा होता है, जैसे वाईफाई राउटर है या डोंगल है 4G, वो कैसे कनेक्ट होगा वो डिटेल में आपको बताएंगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रांड नेम है टेक्नो व्यू है, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। अगर वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है कोई इसमें आपको चलाने में दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं अगर आपने हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो ये चार्जर जो है इसमें कोई बैटरी नहीं होती, डायरेक्ट पावर से चलता है। तो सबसे पहले आपने इसको कोई भी जो आपका प्लग है उसके अंदर इसको प्लग करना है और पावर को ऑन कर देना है। हमारे पास यहाँ प्लग है, हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं अभी। ऑन करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसमें वेट करनी है। वेट करने के बाद इसमें इसका सीरियल नंबर जनरेट होगा। तो जो ऐप आपने मेन वाइल डाउनलोड करके रखनी है, ऐप का नाम है लुक कैम प्रो, ये ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें कुछ सेटिंग्स के अंदर वो आपसे सेटिंग्स के अलाउ करने के लिए मांगेगा, वो आपने सेटिंग्स को अलाउ कर देना है। तो 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद आपने अपने मोबाइल का जो मोबाइल डेटा है उसको ऑफ कर देना है, बंद कर देना है मोबाइल डेटा को, और आप जाएंगे अपने फ़ोन की वाईफाई सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर इसका लुक कैम प्रो का जो प्रोडक्ट है उसका सीरियल नंबर जो है वो TUT से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए सीरियल नंबर इसका जनरेट हो गया। ये जो सीरियल नंबर है ये कैमरे का हॉटस्पॉट है, आप बिना वाईफाई के भी इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस रहता है वो 4 से 5 मीटर रहता है, 4-5 मीटर के अंदर आप बिना वाईफाई के भी इसको आप देख सकते हैं इसके हॉटस्पॉट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कहीं दूर से देखना, फिर आपको इसके लिए एक राउटर या डोंगल वाईफाई इसको देना पड़ेगा डिवाइस को, जिसके साथ कनेक्ट होने के बाद आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इस सीरियल नंबर पर इसको क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर पर क्लिक करने के बाद इससे कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल डेटा आपका ऑफ ऑफ रहना चाहिए, इससे कनेक्ट करने से पहले मोबाइल डेटा आपका ऑफ रहना चाहिए। तो ये कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें पहले से ऐप डाउनलोड करके रखी हुई है लुक कैम प्रो, इसको ओपन करेंगे आप। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सेटिंग्स में अलाउ करने के लिए मांगे, उन सेटिंग्स को आपने अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर एक सर्च का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका सीरियल नंबर आपने कनेक्ट सही से किया हुआ है तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर ऐसे बॉक्स बना आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे बटन आएगा श्योर का, इस श्योर वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आप ये बॉक्स बनना आ गया, इसमें प्ले का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका लाइव स्टार्ट हो गया। देखिए लाइव कैमरा चलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं आप अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है, जो घर में वाईफाई राउटर डोंगल लगा हुआ है, तो आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ऊपर जो सेटिंग वाला बटन है ये देखिए सेटिंग्स, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसमें जो मेन दो सेटिंग्स यूज होने वाली है, वाईफाई सेटिंग और एसडी कार्ड सेटिंग। अगर आप एसडी कार्ड सेटिंग करना चाहते हैं तो कैमरे के अंदर आप एसडी कार्ड डालेंगे तो एसडी कार्ड की सेटिंग यहाँ से हो जाएंगी। अभी उसमें मेमोरी कार्ड नहीं डला हुआ, मेमोरी कार्ड डालने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट का बटन आ जाएगा, तो आप मेमोरी कार्ड को एक बार फॉर्मेट करने के बाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड में जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी ऐप के अंदर ही आपको दिखाई देगी, एसडी कार्ड का ऑप्शन बना हुआ है ऐप के अंदर। तो अब हमने वाईफाई से अगर कनेक्ट करना है, आपके जो घर में जो ऑफिस में वाईफाई लगा होगा, तो आपने वाईफाई सेटिंग में जाना है। वाईफाई सेटिंग के जाने के बाद यहाँ आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है और जो वाईफाई आपका होगा लिस्ट में आ जाएगा, और जितना वो पास होगा उतना अच्छी बात है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखी आएगी 70-60 से प्लस ही होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, उसका पासवर्ड आप डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक कुछ ही टाइम में, कुछ सेकंड के अंदर, 15 से 20 सेकंड के अंदर ये आपका कनेक्ट हो जाता है। जितना डिवाइस आपका पास रहेगा उतना जल्दी ये कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये होम वाईफाई से, जो आपका वाईफाई राउटर है डोंगल है, उससे कनेक्ट हो जाएगा एक बार। उससे कनेक्ट होने के बाद जो सीरियल नंबर आ रहा था TUT कर वो आना बंद हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपके वाईफाई से कनेक्टेड दिखाएगा आपका फ़ोन। 100 सेकेंड का टाइम इसमें दिया होता है, तो जितनी भी जल्दी आपका जितना पास डिवाइस होता है उतनी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो आप 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद उसके बाद आप अपने फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं, और जो आपका डिवाइस है वो वाईफाई इंटरनेट जो है वो आपके उसी राउटर डोंगल से लेगा, और आपका फ़ोन जो है वो मोबाइल डेटा पर भी चल सकता है, वाईफाई पर भी चल सकता है। तो इस तरीके से आपका जो फ़ोन है
वो मोबाइल डेटा पर रहेगा और कैमरा वाईफाई जो राउटर डोंगल से लेगा, फिर आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। वाईफाई की जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है, अच्छी उसमें बैंडविड्थ होनी चाहिए। ये श्योर पर क्लिक कर दिया हमने। अब आप देखेंगे तो इसमें आपका कैमरा जो है ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। ये अब हमारे जो हमारा यहाँ वाईफाई लगा हुआ उससे कनेक्ट हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब हम लोग जो वाईफाई में हमने इससे सीरियल नंबर से कनेक्ट किया था, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, जो हमारे जो वाईफाई है उससे कनेक्टेड है। देखिए वो जो सीरियल नंबर आ रहा था वो आना बंद हो गया है। अब हम लोग दोबारा ऐप के अंदर चलते हैं। तो ये जो कैमरा जो अब आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारे होम वाईफाई से कनेक्टेड है। देखिए ये आपका ऑनलाइन कैमरा उस वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अब आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी नेटवर्क से। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसको यूज़ करने में कोई भी इशू आता है, तो ये नंबर आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। आपको जो भी इसमें इशू आ रहा है कनेक्टिविटी में, या आपको किसी कुछ कोई स्टेप इसमें समझ नहीं आया वीडियो में, या आप उसकी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टाइम दिया हुआ है इसमें, उस टाइम के अंदर आपको रिप्लाई आएगा। प्रोडक्ट आपने अगर हमारे ब्रांड का खरीदा हुआ है तो, और SD कार्ड जो आपने डालना है इसमें 16 GB, 32 GB या 64 GB और 128 GB डाल सकते हैं, बट वो फॉर्मेट करने के बाद डालना है। 16 या 32 GB मेमोरी कार्ड जो आपका FAT32 में फॉर्मेट करने के बाद डालना है, और आपका 64 64 GB और 128 GB जो मेमोरी कार्ड है उसको आपको GUI फॉर्मेट में फॉर्मेट करना होगा सॉफ्टवेयर के साथ, उसके बाद इस डिवाइस में आप डालेंगे। थैंक यू।